हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने ये वीडियो आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स और हेलोएरीन्स पढ़ाने के लिए बनाया है। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के वीडियो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम आपको उनके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप हमारा वीडियो देखने के बाद उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, हेलोअल्केन्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हेलोअल्केन्स हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स में स्टूडेंट्स एल्केन आते हैं, एल्कीन आते हैं और एल्काइन आते हैं। तो जो सबसे पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं। जितने भी आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके हेलोजन्स ही होते हैं। ये सारे के सारे आपके हेलोजन्स ही होते हैं। तो एल्केन का अगर हम लोग फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा देते हैं तो हम उससे एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी एल्केन में अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के वहाँ पे कोई भी हेलोजन ले आते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी, तो उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जनरली इस मेथड को प्रिफर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। तो यहाँ पर जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, हमने एग्जांपल में आपका प्रोपेन लिया हुआ है, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है। अगर हम इसको क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराते हैं तो हमें यहाँ मिक्सचर मिलता है। एक आपका ये वाला मिला है जिसमें क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरा हमें ये वाला मिला है जिसमें क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ है। तो इस रिएक्शन की प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जिनको हमें बाद में सेपरेट करना पड़ता है। अगला जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन में प्रिपरेशन कराने के लिए, एल्कीन क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड। अगर 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको एल्कीन बोलते हैं। तो अगर हम एल्कीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दें, आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी ले सकते हैं, तो होता क्या है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये वाला, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाता है। तो जो दोनों कार्बन है इनका एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, और फिर वहाँ पे जाके आपके ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी आपने लिया है वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर जो दोनों कार्बन है वो अगल बगल हैं जिन पे जाके ब्रोमीन जुड़ रहा है, इसीलिए इसको विस डाइब्रोमाइड बोलते हैं। डाइब्रोमाइड मतलब 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, विस मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजेंस लगे हों, तो इसको विस बोला जाता है। तो अगर आप एल्कीन को Br2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो एल्कीन का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती हैं, और वहाँ पे आपका जाके ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी आपने लिया है वो अटैच हो जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये भी आपका एल्कीन से ही प्रिपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे होता है कि आपने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। सिमेट्रिकल एल्कीन से मतलब है स्टूडेंट्स कि जो आपके डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स लगे हुए हैं, तो इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करें, जैसे कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है, आप इसमें देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, इसके इस तरफ आपके 2 कार्बन लगे हुए हैं जबकि इस तरफ सिर्फ 1 कार्बन लगा है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाता है। तो
तो जब आप सिमेट्रिकल एल्कीन को एच एक्स के साथ कराते हैं तो सेम जैसे पीछे वाले में हो रहा था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जा रहा था, सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जा रहा है, एक पे आपका जाके हाइड्रोजन लग जा रहा है और दूसरी तरफ जाके आपका एक्स लग जा रहा है, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड बन जा रहा है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो वहाँ पे इसी तरह से किसी पे भी जाके एच या किसी पे भी एक्स जुड़ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन इक्वल थे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो वहाँ पर नॉर्मली जो है वो मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। मार्कोनिकोव रूल ये कहता था स्टूडेंट्स, आपने 11th में भी पढ़ रखा था, कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसको अगर हम एच एक्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक्स वहाँ जाके लगता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। अगर हम इसको देखें एग्जांपल को लेके, तो ये आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, प्रोपीन था ये। इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कौन से कार्बन है? ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है, इसमें से हाइड्रोजन किसके पास कम है स्टूडेंट्स? इस वाले के पास। तो जब आप इसको एच आई के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एच और आई में ब्रेक होगा, तो आयोडीन कहाँ जाके लग जाएगा? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे, मतलब इस सी एच वाले पे। आप राइट साइड में अगर देखें तो जो बीच वाले कार्बन पे जाके आयोडीन लग रहा है यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। अगर आपको दूसरा वाला प्रोडक्ट मेजर चाहिए तो हम क्या कराते हैं? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने के लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए परऑक्साइड। तो अगर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा देते हैं इसको, तो हमें ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड यूजिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाता है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल से प्रिपरेशन कराने के कई सारे रिएक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले एल्कोहल में क्या होता है, जो भी कार्बन है उससे आपका एक हाइड्रोक्सिल या ओएच ग्रुप लगा रहता है, इसी को हम लोग एल्कोहल बोल देते हैं। तो एल्कोहल की हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं। हैलोजन एसिड्स मतलब एच एक्स, जहाँ पे एक्स आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या कराया है, ROH को HCl से कराया है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH है और ये जो Cl है ये आपके एक्सचेंज हो जाते हैं, तो आपका OH की जगह Cl आ गया है और यहाँ से H और ये वाला OH मिलके आपका वाटर बना दे रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन थी व्हेन ROH रिएक्ट्स विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 या जिंक क्लोराइड, इट गिव्स RCl प्लस H2O। अब इसकी जो अगली रिएक्शन है, जब ROH को हम NaBr के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर से वही चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स, ये जो आपका OH है ये इस Br से रिप्लेस हो जा रहा है, आपका RBr बन जा रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड, और साथ में आपको NaHSO4 और H2O मिल जा रहा है। अब इसकी थर्ड रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, ROH को सिमिलरली अगर आप रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में X2 के साथ, तो फिर से आपका ये OH रिप्लेस होके इसकी जगह एक हेलोजन आ जा रहा है, जहाँ पे X आपका ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इन तीनों ही रिएक्शंस में स्टूडेंट्स ये बात कॉमन है कि हर बार आपका OH ही हट रहा है और उसकी जगह एक हेलोजन आ जा रहा है। रिएजेंट्स अलग अलग हैं लेकिन जो बेसिक है वो हर जगह यही हो रहा है, तीनों रिएक्शन में OH को X रिप्लेस कर दे रहा है। इसके बाद ये कुछ और रिएक्शंस हैं अल्कोहल वाली, ROH को अगर NaBr और H2SO4 के साथ, ये भी पीछे बताया था,
रेड फॉस्फोरस वाला भी आपको बता दिया था। अब अगर आप ROH को PCl3 के साथ कराते हैं, तो PCl3 के साथ कराने पे स्टूडेंट्स आपको RCl मिलता है और H3PO3 मिलता है। ये OH रिप्लेस हो जा रहा है, ये OH आपका रिप्लेस हो जा रहा है Cl से, तो आपको RCl मिल जा रहा है और साथ में आपको H3PO3 मिल रहा है, जिसको हम लोग फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। अब अगर आप ROH को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो PCl5 के साथ रिएक्ट कराने पे भी आपको मिलता RCl ही, लेकिन साथ में POCl3 और HCl मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स इन दोनों रिएक्शन के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे आप PCl3 से करा रहे थे, यहाँ पे PCl5 से करा रहे थे। अगर आप PCl3 से कराते हैं तो आपको RCl और H3PO3 मिलता है। अगर आप यहीं पर PCl5 से कराते हैं तो आपको RCl तो इसमें भी मिलता है, लेकिन साथ में POCl3 और HCl मिलता है। यहाँ पे आपको H3PO3 मिल रहा था, यहाँ पे POCl3 और HCl मिल रहा है। अब इसमें जितने भी मेथड आपने पढ़े थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है थायोनिल क्लोराइड वाला। ये कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन थायोनिल क्लोराइड के साथ क्यों प्रिफर करते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स SOCl2, ये लिखा है हमने। इसको इसलिए प्रिफर किया जाता है क्योंकि थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पे जो हमें SO2 और HCl मिलते हैं बाई प्रोडक्ट, वो सारे के सारे गैसेज होते हैं। ये दोनों ही गैसेज होते हैं, तो गैसेज की प्रॉपर्टी होती है उड़ने की, डिफ्यूज़ होने की, तो हमें प्योर RCl मिल जाता है यहाँ पे। इसीलिए हम थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीफर करते हैं इसको। आप एक बार एक स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, थायोनिल क्लोराइड इज़ प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसेस SO2 एंड HCl विच आर एस्केपेबल। तो बाकी आपने जितने भी मेथड पढ़े थे उन सब में हमें एल्काइल हैलाइड तो मिल रहा था, लेकिन साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिल रहे थे जिनको हमें सेपरेट करना पड़ रहा था। लेकिन अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं तो बाकी दोनों जो मिल रहे हैं वो गैसेस हैं, तो हमें सेपरेट नहीं करना पड़ रहा है, हमें हमारा प्योर प्रोडक्ट मिल जा रहा है। इसके बाद अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें एल्कोहल्स की, तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्ट करता है 3 डिग्री, उसके बाद कौन रिएक्ट करता है 2 डिग्री, और उसके बाद कौन सा रिएक्ट करता है 1 डिग्री। डिग्री से मतलब स्टूडेंट्स है कि जो कार्बन है जिससे आपका OH लगा है उससे कितने कार्बन लगे हैं। अगर इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं तो ये आपका 3 डिग्री हो जाता है, लेकिन जिससे OH लगा है अगर उस कार्बन से सिर्फ 2 कार्बन और लगे हैं तो ये आपका 2 डिग्री हो जाता है, और अगर सिर्फ उससे OH लगा हुआ है बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन ही हैं तो ये 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आ जाता है आपका हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपके आयोडीन और फ्लोरीन होते हैं, ये दोनों भी आपके हैलोजन होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन की तरह, लेकिन जो आयोडीन होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है जबकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इनकी रिएक्शन ना करा के पहले हम क्लोरीन या ब्रोमीन बना लेते हैं, उसके बाद इनको रिप्लेस करा देते हैं। तो इसी में सबसे पहला आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिंकलस्टीन में आई आ रहा है तो ये आयोडीन के लिए यूज़ होती है, इसको याद रखिएगा। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए जो भी हमने एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लिया है पीछे की रिएक्शन से, उसको हम NaI के साथ रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो होता क्या है, एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं। RX, जहाँ पे X आपका क्लोरीन या ब्रोमीन है, इसको जब हम NaI के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो सेम जैसे अल्कोहल में हो रहा था कि OH रिप्लेस करके आपका हैलोजन आ जा रहा था,
तो सेम यहाँ पे उसी तरह एक्स को रिप्लेस करा के हमारे पास आयोडीन आ जा रहा है और साथ में एन ए एक्स मिल रहा है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग ड्राई एसीटोन क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था इक्विलिब्रियम में ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो अगर हम कोई भी ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे हम रिएक्शन में से प्रोडक्ट को अगर निकाल ले रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है, मतलब हमें प्रोडक्ट मिलता रहेगा, इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम ड्राई एसीटोन यूज़ कर रहे हैं ये क्या करता है, NaX जो भी फॉर्म होता है NaCl या NaBr, ये ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे सेटल हो जाता है। तो अगर ऐसे होगा तो एक तरह से आपने क्या किया, जो NaX बन रहा था उसको रिएक्शन से निकाल लिया। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर फ्लोरीन को हम रिप्लेस करा रहे हैं, फ्लोरीन ला रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। फिंकलस्टीन आयोडीन के लिए होती है और फ्लोरीन के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका एल्काइल आयोडाइड या ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है उसको हम मेटैलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, AgF या Hg2F2 या COF2, इनकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, ये आपका CH3Br था, इसको हमने SbF3 के साथ रिएक्ट करा दिया। तो जब हमने इसको SbF3 के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमारा हो क्या रहा है, ये जो Br है ये फ्लोरीन से रिप्लेस हो जा रहा है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम लोग फ्लोरीन लाते हैं रिप्लेसमेंट करा के। फ्लोरीन को डायरेक्ट इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो फिंकलस्टीन आयोडीन के लिए और स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरीन के लिए यूज़ होती है। इसके बाद आपने अभी तक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा था, अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेलो एरीन्स होती क्या है। तो हेलो एरीन्स स्टूडेंट्स वो होते हैं कंपाउंड जिसमें आपका रिंग प्रेजेंट होता है, रिंग मतलब बेंजीन रिंग। तो जब भी हेलोजन के साथ बेंजीन रिंग लगी होगी तो इसको हम लोग हेलो एरीन्स बोलते हैं। तो चलिए अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एराइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन से। अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो हमने क्या किया, ये हमारे पास टुलीन था। अगर स्टूडेंट्स बेंजीन के साथ CH3 लगा होता है तो उसका कॉमन नेम टुलीन होता है। तो हमने इसको क्या किया, X2 के साथ रिएक्ट करा दिया आयरन की प्रेजेंस में। तो आपको X दो जगह मिलेगा, एक आपका यहाँ पे लग सकता है आके, दूसरा X आपका यहाँ पे लग सकता है आके। अगर नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगता है तो इसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और अगर अपोजिट वाली पोजीशन पे लगता है तो इसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें दो कंपाउंड मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर हमें यहाँ मिल रहे हैं उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम उनको ईजिली अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये बात स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा कि हम लोग एराइल आयोडाइड नहीं प्रिपेयर कर सकते इस मेथड से, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका, ये लास्ट आपकी रिएक्शंस हैं, फ्रॉम अमीन्स यूजिंग सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन स्टूडेंट्स आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक की। इसमें हम क्या करते हैं,
मैं आपको एक एक टर्म भी बताता चलूँगा। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हैं, ये आपका अमीन हो गया। इसको हम रिएक्ट कराते हैं कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर देखें तो ये 273 से 278 केल्विन है, मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर है ये। तो हम जब अमीन को एच एक्स के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, NaNO2 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट। तो जब हम अमीन को NaNO2 और एच एक्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले जहाँ भी आपको N2X दिख जाएगा बेंजीन के साथ, ये आपका होता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इसको हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट डाइजोनियम सॉल्ट में आपका N2X लगा होता है, ये हमें मिलता है। फिर जो डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिला है इसको हम Cu2X2 के साथ, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो अगर आप क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपको क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो आपको ब्रोमीन मिलेगा। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना था N2X वाला, इसको आपने क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया Cu2X2। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आपका सीधे सीधे जो N2X है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आपका X आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन थी। लेकिन अगर आपको अराइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो हम सिंपली जो हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिला था इसको हम KI के साथ मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे हमारा N2X की जगह आयोडाइड आ जाएगा, ये आपका स्टूडेंट्स अराइल आयोडाइड है। सैंडमेयर रिएक्शन एक बार फिर से देख लीजिए, हम अमीन को NaNO2 और HX के साथ रिएक्ट करा देते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हमें बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड मिल जाता है। फिर हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को Cu2X2 के साथ कराते हैं। अब X की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रख सकते हैं, तो हमें अराइल हैलाइड मिल जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रिपरेशन मेथड समझ में आ गए होंगे एल्काइल हैलाइड के और अराइल हैलाइड के। आप इसको फिर से देख लीजिएगा पूरे वीडियो को तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम इसका अगला वीडियो भी बनाएंगे और पोस्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।